अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू विकी लॉ। कैसे हैं आप सब? मैं हूं इस वक्त कैमरोन हाईलैंड के भारत टी प्लांटेशन में। कैमरोन हाईलैंड के बारे में एक डिटेल व्लॉग मैं पहले भी बना चुका हूं अप्रैल के महीने में, उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लाजमी दूंगा, वो व्लॉग भी देखिएगा। लेकिन ये जो व्लॉग है ये सिर्फ भारत टी प्लांटेशन के बारे में है। चलिए आपको ज़रा व्यूज़ दिखाते हैं जी। तो ये है भारत टी प्लांटेशन, आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें खूबसूरत चाय के बागान, या टी लवर्स के लिए ये वाकई जन्नत है। उसकी बहुत सारी रीजंस हैं। उसकी पहली रीज़न ये है कि यहाँ पे मंजर बड़ा अच्छा है, सीन बड़े अच्छे हैं आप देख रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो चाय मिलती है ऊपर रेस्टोरेंट में वो फ्रेश होती है, वो इतनी ज़्यादा फ्रेश होती है कि आप उस रेस्टोरेंट में घुसेंगे उसी वक्त आपको इतनी ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आती है चाय की पत्ती की, चाय की, कि अगर आप मेरी तरह टी लवर नहीं है, यानी मेरी तरह से मुराद है मैं टी लवर नहीं हूँ, मैं चाय नहीं पीता, मैं कॉफ़ी लवर हूँ, तो मेरे जैसा बंदा भी यहाँ आके चाय लाजमी पीता है। तो ये 3 रिंगिट का एक बैंड है जिन उन लोगों के लिए जिन्होंने पैदल जाना है, ठीक है, और 15 रिंगिट का बैंड आता है उन लोगों के लिए जिन्होंने ट्रॉम यूज़ करनी है। तो मैं पैदल वाला बंदा हूँ तो पैदल जा रहा हूँ, और साथ मेरे वाले साहब हैं, आपको रेड टी शर्ट में नज़र आ रहे होंगे। तो यार असल में अगर आपको अल्लाह ताला ने हिम्मत दी है चलने की तो यही है कि आप पैदल आएँ ताकि ये चाय के बाग में से खूबसूरत मंजर देखते हुए जाएँ। ट्रॉम में तो होगा कि वो आपको विद इन 1 मिनट आपको, ये देखिए ट्रॉम आ रही, पीछे दिखाता हूँ आपको, ये ट्रॉम में तो उन्होंने ये देखिए आपको विद इन 1 मिनट या 2 मिनट्स में आपको वो नीचे ले जाना जहाँ पे वो सारा नीचे वाटरफॉल है। चले आपको जाके वाटरफॉल तक भी पहुँचते हैं, रास्ते के व्यूज़ भी दिखाते हैं, भी जाते हैं तो नीचे जाके वाटरफॉल को भी कवर करते हैं इंशाल्लाह। कैमरोन वैली के अंदर भारत टी प्लांटेशन में ये एटीवी एक्सपीरियंस भी प्रोवाइड किया जाता है, यानी आप 70 रिंगिट के अंदर, 50 रिंगिट फॉर सिंगल यूज़र, एक बंदा चलाएगा तो 50 रिंगिट है आधे घंटे के लिए इन सड़कों पर, और अगर दो लोग चलाना चाहे तो 70 रिंगिट है आधे घंटे का। यहाँ पर कैमरोन के अंदर 2 टी प्लांटेशन है, एक है बो टी प्लांटेशन, दूसरा है भारत टी प्लांटेशन। भारत टी प्लांटेशन ज़्यादा फेमस है, उसकी वजह ये है कि एक तो ये एटीवी एक्सपीरियंस है, दूसरा मैं आपको वजह दिखाता हूँ, नीचे जाके एक वाटरफॉल है। ये दोनों चीज़ें हैं जो इसको यूनिक बनाती हैं। ये दोनों चीज़ें बोट टी प्लांटेशन में नहीं है, लेकिन बोट टी प्लांटेशन के भी अगर आप सिर्फ, आपको इन दोनों चीज़ों का शौक़ नहीं है सिर्फ सीनरी का शौक़ है, तो सीनरी आपको बोट टी प्लांटेशन में भी यही मिलेगी। ये आपको गाने की आवाज़ आ रही होगी, इस दरख्त के ऊपर स्पीकर लगाया हुआ इन्होंने, इस दरख्त के ऊपर स्पीकर है। ये ऑलमोस्ट हम पहुंच चुके हैं वाटरफॉल के ऊपर, जो भारत टी प्लांटेशन में नीचे वाटरफॉल है। वीकेंड होने की वजह से यहाँ पर काफ़ी रश भी है, आम दिनों में इतनी चहल पहल नज़र नहीं आती, और हम ना आइसक्रीम लेके मेरी तरफ आ रही हैं। किस तरह के लोग चाय पीते हैं आप? आइसक्रीम? मैं नहीं। ये ट्रॉम पर आई थी दोनों, जो हमारे पास से गुजरी थी ट्रॉम, ये उस पर आई। ये देखें, अगर ये पानी साफ होता, पानी तो साफ है, नीचे जो इसके मंजर है वो नीचे जो मिट्टी है ना उसकी वजह से थोड़ा सा सीनरी खराब हो रही है, वरना ये बड़ी खूबसूरत सीनरी होनी थी। ये फ्रेम देखें बहुत अच्छा है, और कैमरोन वैली टी, कैमरोन वाली टी। जी ये वाटरफॉल है जो भारत टी प्लांटेशन को बाकी टी प्लांटेशन से मुनफरिद बनाती है। बाकी टी प्लांटेशन भी इतने ही खूबसूरत है, लेकिन ये वाटरफॉल जो है, ये जो है, ये व्यू जो है ना, इसको दूसरों से मुनफरिद बनाता है। अब यहां से कंप्लीट व्यू देखिए आप, ये देखें आपके इर्द गिर्द ग्रीनरी ही ग्रीनरी है, ठीक है, और वो टॉप से हम आए हैं, और ये एक नदी बह रही है इस वाटरफॉल से जो आगे की तरफ जा रही है। ये देखें क्या खूबसूरत फ्रेम है, पिक्चर्स के लिए, आपके इंस्टाग्राम रील्स के लिए, और आपके टिकटॉक के लिए।
ले जी, वापसी का सफ़र शुरू है और बारिश भी शुरू हो चुकी है। आते हुए तो बंदा बड़ा स्लोप है ना, तेज़ी से नीचे आता है। मैं उड़ी उड़ी आवा हवा के नाल। असल जो आपकी एनर्जी और असल जो आपकी स्ट्रेंथ है वो चेक होती है वापस जाते हुए। अब वो ऊपर जाते हैं इंशाल्लाह, वहाँ जाके ज़रा एक अच्छी किस्म की तगड़ी सी चाय पीते हैं। पहले बारिश भी देख लें, बारिश भी हो रही है। ले जी अल्हम्दुलिल्लाह आ गए हैं पैदल, बल्कि थोड़ा सा भाग के आए जॉगिंग करके। तो अभी तो चलते हैं और जाके फ्रेश टी का ऑर्डर करते हैं। जी तो ये था आज का व्लॉग, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोगों की स्ट्रांग मोटिवेशन मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आजकल अपने चैनल को लेके काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेट हूँ, इसी वजह से मेरा ये जो व्लॉग है ये एक महीने बाद आया। एक महीना मैंने चैनल पे कोई व्लॉग अपलोड नहीं किया, हालांकि मेरे पास कॉन्टेंट काफ़ी बड़ा है, लेकिन बस मोटिवेशन की ज़रूरत है। वो मोटिवेशन इसी तरह ही मिल सकती है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और विकी व्लॉग को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह बड़ा जल्द अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।